हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल होम बाय होम मेकर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला पनीर। एक ही ढंग की पनीर खा खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो कुछ नया स्टाइल में बनाइए, हमारे स्टाइल में बनाइए मसाला पनीर। आप इसे अपने घर पे ट्राई करें, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। यहाँ पर हम 100 ग्राम दही ले लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच बेसन ले लेंगे, 1/2 चम्मच नमक ले लेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 2 चम्मच पनीर मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 बड़ी प्याज मोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, इसको इसमें मिला लेंगे। 2 टमाटर बड़े टुकड़े में कटा हुआ, 1 पाव पनीर। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में 4 चम्मच तेल डालेंगे, फिर उसमें हम अपने मैरिनेट वाले पनीर को अच्छे से भूनेंगे। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। 10 मिनट पकाने के बाद अब इसे हम निकाल लेंगे। 4 चम्मच तेल डालेंगे, उसमें 2 चम्मच पनीर का मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मसाला अच्छे से भुन जाए तो यहाँ पे हम 2 प्याज और 1 टमाटर को महीन से मिक्स बना लिए हैं, इसको अच्छे से भून। 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे, इसे स्वाद बहुत अच्छा आता है। मसाला अच्छे से भुन जाए और कढ़ाई को छोड़ने लगे तब उसमें हम अपना पनीर डाल देंगे। आधी कटोरी पानी इसमें हम डाल के अच्छे से मिला देंगे। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इसे हम 5 मिनट पकने देंगे। बस इसी स्टेज पे हम गैस को कर देंगे बंद। पनीर हमारी रेडी हो गई।